भोजपुरिया सिनेमा के चॉकलेटी हीरो यानी कि अपने हर्षित भैया इस साल 18वें भोजपुरी फिल्म अवार्ड में परफॉर्म करते हुए आप लोगों को नजर आ जाएंगे। जी हां, हाल ही में मुंबई में हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात का खुलासा किया गया। आपको बता दें कि विनोद गुप्ता पिछले 18 सालों से लगातार भोजपुरी फिल्म अवार्ड्स का आयोजन करते आ रहे हैं और ये उनका 18वां साल है और इस साल तमाम सितारों के साथ साथ हर्षित भी स्टेज पर अपनी परफॉर्मेंस देते हुए नजर आएंगे। आपको बता दें कि इस साल हर्षित की दो फिल्में आ रही हैं और इन्हें लेकर ये युवा अभिनेता काफ़ी एक्साइटेड है। मुंबई में जब अवार्ड के आयोजकों की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई तब हर्षित ने मीडिया के सवालों के जवाब में क्या कहा, आइए वो आपको हम लोग यहाँ सुनाते हैं। और मैं हाथ जोड़ करके आपको बहुत थैंक्स बोलूँगा कि क्योंकि मैं तेलुगु हूँ, दक्षिण से हूँ और 17th BFA में मुझे एज अ बेस्ट तेलुगु का अवार्ड मिला था। उसके लिए बहुत थैंक्स बोलूँगा। मुझे मालूम ही नहीं था कि मुझे अवार्ड मिलेगा और जब मैं नॉमिनेशन में गया तो मेरे हाथ शिवरिंग हो रहे थे, बहुत ये लग रहा था। और इस बार मैंने सोचा भी नहीं था कि सर का कॉल मेरे पास आया था कि बेटा आपको हमने सेलेक्ट कर रहे हैं। मैं 2 साल से लगा जरूर हुआ था इनके साथ में कि सर मुझे ये भी करना है, करना है, करना है। सो नाउ आई गॉट द चांस टू परफॉर्म। मतलब एक मीडियम क्लास से मैं आता हूँ, मेरे घर में कोई भी इस लाइन को है नहीं और मैं बहुत ही शर्मिला टाइप का लड़का हूँ और विनोद सर ने मेरी चीज़ों को समझा। और मतलब ऊपर वाले से ये नहीं बोलना चाहता हूँ कि मतलब बहुत थैंक्स बोलूँगा, दिल से बोलूँगा कि इन्होंने मेरे लिए इतना बड़ा ये दिया कि मैं परफॉर्म करने जा रहा हूँ यहाँ पे। और आप सब मीडिया वालों को बहुत बहुत धन्यवाद जो हमेशा मतलब साथ देते हैं।